क्वेश्चन, 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू, 1 किलोग्राम किसके इक्विवेलेंट होता है? ये हमारा 1 किलोग्राम होता है 2.20 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ड्रॉप इज इक्विवेलेंट टू, जो 1 ड्रॉप है उसके अंदर लगभग कितने एमएल होते हैं? 1 ड्रॉप के अंदर लगभग 0.06 ml होते हैं। इसी के साथ यहाँ आता है, एक तो टीस्पून, मैं बोल रहा हूँ, बोलने से ज़्यादा समझ आएगा, टीस्पून के अंदर होते हैं 5 ml, और इसी तरह एक आता है टेबल स्पून। टेप से टेबल स्पून, इसके अंदर कितने ml होते हैं? 15 ml। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है बहुत ज़्यादा, 1 टीस्पून में 5 ml और 1 टेबल स्पून में 15 ml होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फ्लूइड औंस ऑफ 1% सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, जो 1 फ्लूइड औंस होता है, 1% सॉल्यूशन इसका, इसके अंदर कितने ग्रेन होते हैं? 5 ग्रेन, 43.75 ग्रेन, 4.375 ग्रेन या 1 ग्रेन। हमें पता है जो 1% सॉल्यूशन है उसके अंदर 1 फ्लूइड में 4.37 ग्रेन होते हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए 1 ग्रेन में, 1 ग्रेन में हमारे लगभग 64.78 मिलीग्राम mg, 1 ग्रेन में हमारा ये 1 है, 1 ग्रेन में 64.78 मिलीग्राम होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो, अगर किसी को पीछे समझ ना आया हो, 1 टी स्पून इज इक्वल टू 5 ml एंड 1 टेबल स्पून बराबर 15 ml। ये विजिबल अब हो जाएगा, आई थिंक सबको दिख रहा होगा, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। अब दिख रहा होगा, जानते हैं 1 ग्रेन में 64.78 मिलीग्राम, 1 टीस्पून में 5 ml, 1 टेबल स्पून, टेबल स्पून में 15 ml होते हैं। इसी के साथ 1 फ्लूइड के अंदर भी हमें पता होना चाहिए, यहाँ 1 फ्लूइड लिखा था, अगर हम ml में बात करें, 1 फ्लूइड बराबर 30 ml, ये कुछ रटने वाली चीज़ है, हमें ऐसे याद होनी चाहिए, मैं इन्हें बाद में दोबारा दिखा दूंगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज इज नीडेड टू 5 फ्लूइड औंस के अंदर के 1% सॉल्यूशन में डेक्सट्रोज हमें कितना चाहिए? 22 ग्रेन, और हमें यहाँ से ग्रेन पता है, यहाँ क्या होता है हमारा 67.68 मिलीग्राम। ये मैं टेबल दिखाते रहूँगा जब जब यूज होगा इसका। 1% वेट बाय वेट, W बाय W, वेट बाय वेट डेक्सट्रोज का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ एक चीज़ लग सकती है, बिल्कुल सेम बात है, यहाँ तो हमारा 100 ग्राम है और इधर 100 ml है, तो हमें देखना है यहाँ लिखा क्या है। अगर वेट बाय वेट लिखा है तो ग्राम ग्राम, वेट बाय वॉल्यूम लिखा हो तो ग्राम ml, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हो तो ml ml। वेट और वेट है, वेट की वो क्या होती है ग्राम, तो इधर भी हमने ग्राम लिखा, इधर भी ग्राम लिखा। अगर वेट बाय वॉल्यूम हो इस तरह, वेट
बाई वॉल्यूम, तो ग्राम और ml। व्हाट क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वन पिन ऑफ 100 वन पिन 100 सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट की कितनी क्वांटिटी में चाहिए अगर हमें प्रिपेयर करना है वन पिन ऑफ 100 ml सॉल्यूशन। ये ml लिखना भूल गए, तो इसके लिए हमें चाहिए 17.5 ग्रैन। ग्रेन दोबारा दिखा देता हूँ, ग्रेन हमारा ये रहा 64.78 मिलीग्राम। ये यूज़ होता रहेगा, बार बार मैं इसे दिखाऊंगा पूरे उसमें। वन टम्बलर फुल इज इक्वलेंट टू, वन टम्बलर फुल किसके इक्वलेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वन टम्बलर फुल हमारा 8 फ्लूड के बराबर होता है, 8 फ्लूड या 240 ml। यहाँ से हम एक चीज़ और पता लगा सकते हैं, वन फ्लूड बराबर 30 ml। विच आर ऑफ दीज इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लीटर होती है इंटरनेशनल, ऐसा यूनिट कह सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर कौन से होते हैं, प्रोटेक्ट लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग। ये प्रोटेक्ट करते हैं लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग, ये तो हर कोई कंटेनर करता है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। इज इम्प्रीवियस टू एयर, देखते हैं अभी। लाइट रेजिस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिवेंट लॉस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एफरवेसेंस, एफरवेसेंस में प्रोडक्ट का लॉस करते हैं, बचाते हैं, उसके लिए हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम हर्मेटिकली क्यों करते हैं, ये इसका हम सीधा सा मतलब है, जो हर्मेटिकली है ये होते हैं हमारे एयर टाइट कंटेनर, इसके अंदर से एयर भी अंदर बाहर नहीं जा सकती, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। ये क्या, इम्प्रीवियस टू एयर, एयर के कॉन्टेक्ट को कट कर देते हैं। नेक्स्ट, हर्मेटिक कंटेनर आर यूज फॉर, हर्मेटिक कंटेनर किस लिए यूज़ करते हैं। इंजेक्शन, ताकि ये एयर के कॉन्टैक्ट में ना जाए, किसी फॉरेन पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में ना जाए, इसलिए इनके लिए हम हर्मेटिकली कंटेनर का यूज़ करते हैं। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर में किस लिए चाहिए, इंजेक्शन के लिए नहीं, पाउडर के लिए ऐसा कुछ नहीं, ऑइंटमेंट के लिए नहीं, लेकिन जब हम एरोसेल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हमें क्या पता लगता है, इसके अंदर प्रेशराइज्ड तरीके से कंप्रेशन करके गैस को भरा जाता है, तो ये कंटेनर में क्या चाहिए, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, नहीं तो जो कंटेनर है या तो लीक हो जाएगा या एकदम से फट जाएगा। फ्लैकिंग इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद, फ्लैकिंग का मतलब होता है जैसे कोई कंटेनर है उसके अंदर कोई हमने एसिड या कुछ भी ऐसी चीज़ रख दी, उसके अंदर वो अपने पार्टिकल धीरे धीरे रिलीज करते रहेगा, इसे बोलते हैं फ्लैकिंग। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस कंटेनर के साथ आती है, सोडा लाइम गिलास कंटेनर। सोडा लाइम गिलास इज नॉट सुटेबल फॉर पेरेंट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि ये फ्लैकिंग करते हैं, हमें पता है ये। अब इसका पूछ रहे हैं कारण, ये हम देख लेते हैं। बिकॉज इट रिलीज एल्कलीन सॉल्यूशन, इसे ही फ्लैकिंग बोलते हैं, मतलब अब ये जो इनका नेचर है एल्कली नेचर, ये उस नेचर को प्रिपरेशन के अंदर ऐड कर देते हैं या हो जाती है इनसे। सल्फर्ड ग्लास इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडा ग्लास बाय ट्रीटिंग इट्स सरफेस विद, जो सल्फर्ड ग्लास कंटेनर होते हैं प्रिपेयर्ड होते हैं बाय सोडा ग्लास के साथ, ट्रीट करते हैं किसके द्वारा, सोडा ग्लास से क्या ट्रीट करें हमें सल्फर ग्लास कंटेनर मिल जाए। सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फेट या इनमें से कोई भी नहीं, सल्फर बनाना है तो सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ दिस इंग्रेडिएंट इज एडेड इन बोरोसिलिकेट ग्लास टू इम्पार्ट केमिकल स्टेबिलिटी एंड हीट रेजिस्टेंस।
ये कह रहा है कौन सा इंग्रेडिएंट बोरोसिलिकेट ग्लास में ऐड होता है टू इम्पार्ट केमिकल स्टेबिलिटी, जिससे ये केमिकली स्टेबल हो जाता है, बोरोन, कैल्शियम ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड या बेरियम ऑक्साइड, इसमें यूज करते हैं बोरिक ऑक्साइड। एम्प्यूल इज यूजली, एम्प्यूल हम किस में करेंगे, जो न्यूट्रल ग्लास होगा, हमें पता है सोडा ग्लास भी फ्लैकिंग करता है, बोरोसिलिकेट ग्लास भी फ्लैकिंग में होता है, और ये भी अपने सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास भी प्योर न्यूट्रल नहीं होते, सबसे बेस्ट होता है इसके अंदर न्यूट्रल। फेरस और मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस और मैग्नीज ऑक्साइड इज एडिड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास कंटेनर टू मेक फेरस या मैग्नीज ऑक्साइड, हम क्यों मिलाते हैं कंटेनर के अंदर ग्लास कंटेनर बनाने के लिए, बिकॉज कलर्ड ग्लास सुटेबल फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग, जब हम किसी ग्लास के अंदर ये मिला देंगे तो उसका कलर्ड ग्लास कंटेनर भी मिलेगा, जो कि इसके लिए अच्छे होते हैं, लाइट सेंसिटिव ड्रग के लिए बेटर होते हैं। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म, कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं।